लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड के 17 पीसीएस बने आईएएस, तो अब प्रमोशन हुआ औपचारिक तौर पर, यह आदेश जारी हुआ। योगेंद्र यादव, उदय राज सिंह, उमेश नारायण पांडे, राजेंद्र कुमार बने आईएएस, ललित मोहन रयाल, ये वो नाम है जिसमें जिनका हुआ है प्रमोशन। तो नवनीत पांडे और के साथ साथ बंशीधर तिवारी का भी नाम शामिल है, झरना कंठाट भी पीसीएस से आईएएस बने हैं। तो बड़ी खबर, पंकज पवार, पंकज 17 पीसीएस प्रोन्नत हुए हैं और आदेश भी फिलहाल जारी कर दिया गया है। पंकज, देखिए लंबे इंतजार के बाद ये जो उत्तराखंड कैडर के ये सबसे पहले पीसीएस अधिकारी थे जिनको आज जाके मौका मिला है आईएएस बनने का, जबकि बीच में अगर इनका जो काफी समय पहले ड्यू था और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी शासन के कुछ अधिकारी कुंडली मार के इनके प्रमोशन में बैठे हुए थे, लेकिन जब एकाएक जब इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो उसके बाद शासन के कुछ अधिकारियों के नींद खुली और उन्होंने अब डीपीसी की है लगभग एक महीना पहले, और अब आखिरकार आदेश जारी हो गए हैं औपचारिक रूप से, और आदेश जारी होने के बाद आज से वो आईएएस बन गए हैं और आईएएस अब उनको अन्य विभागों में आईएएस के रूप में ही जो पद दिए जाएंगे, चाहे जिलाधिकारी हो या फिर अन्य जो काम है वो अब आईएएस के रूप में ही उनको सौंपे जाएंगे। बिल्कुल, अब पद की अब देखा जाएगा कि किस कौन सा पद दिया जाता है, लेकिन जो 17 नाम सामने आए, इन्होंने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी कानूनी पेचीदगियों के बीच कहीं ना कहीं। पंकज, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, इसके बीच में ये क्योंकि ये डायरेक्ट पीसीएस थे, इससे पहले सरकार ने कुछ तहसीलदार या फिर कानून गो को भी पीसीएस का काम दे दिया था, तो उसकी वजह से क्लैशेज हुए और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। उनका भी कहना था कि हमें भी आईएएस का हमारे उसमें भी रखना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो एक लंबी लड़ाई लड़ी है। चलिए, लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार कामयाबी हासिल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज पवार इस तमाम सारी जानकारी के लिए।